देखो इसके आगे अब जो स्कूल है वहाँ जाना है, जैसे और बच्चे गए हैं वो भी आगे क्या बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हो? क्या बनना चाहती है? क्या नाम है? संगीता। डॉक्टर बनना चाहती? पायल क्या बनना चाहती? आर्मी में। लड़के क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? चेतानी के अलावा क्या करना चाहते हैं? सर से बात करते हैं तो खड़े भी हो जाते हैं। नहीं नहीं बैठ के क्या क्या बनना चाहते हो बताओ? टीचर। टीचर बहुत अच्छा। तुम बेटा? डॉक्टर। पीछे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। ब्लैक कमांडो। अरे वाह क्या बात है, वो अपना ब्लैक कमांडो के साथ जो है तुम्हारी फोटो कराते हैं। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर इधर देखो। स्टूडेंट में काफी इंटरेस्ट रखती हूं, आगे जाकर इसको सीखना चाहती हूं। ट्यूशन लिया है और डांस करना बहुत पसंद है। स्माइल फेस, स्माइल सचीज, कोई नहीं सुनी नहीं। बाकी बच्चे ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को बहुत-बहुत
पूरा सीसीटीवी कवरेज है। बच्चों को न केवल मानसिक पोषण बल्कि शारीरिक पोषण के लिए भी इसमें व्यवस्था है, उनको एक अच्छा भोजन दिया जाता है जिससे उनका शारीरिक विकास भी हो, और इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स पे इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें आगे स्कूल से कनेक्टिविटी की जा रही है। तो पिछले 10 माह में इसमें लगभग 883 बच्चे जो हैं वो जुड़े, और उसमें से 108 बच्चे इस 108 कार्यालय से आज मेरे को कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वो स्कूलों में पहुंच गए। ये कार्यक्रम निरंतर आगे जारी रहेगा। आज का जो हमारा सेकेंड फेज है इसको हम अपने इंडस्ट्रियल एरियाज जो है हमारे जो सूरजपुर इकोटेक और बिसठ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर अब ये आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। थैंक यू। ये नन्हे परिंदे का सेकेंड फेज है, इसको इसका शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी को किया गया था, जिसमें हमने HCL फाउंडेशन के साथ ऐसे हमारे भविष्य के नागरिक जो शिक्षा से वंचित थे या किन्हीं परिस्थितिवश ऐसे कार्य में थे जो उनसे उनका बचपन दूर कर रहा था, शिक्षा का उनको अवसर नहीं मिल रहा था, तो शिक्षा के मंदिर को हम उन्हीं के द्वार तक ले गए हैं। दो वाहन ऐसे पहले चले थे जो अपने आप में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं स्कूल में, और दो आज दूसरा इसका चरण है, दो व्हीकल आज इस तरह के लॉन्च किए गए हैं, और इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इन वाहनों का संचालन जो है वो महिला ड्राइवर कर रही हैं,